हेलो सनी भाई, हैप्पी बर्थडे मंत्र यार, कैसे हो? जी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जल्दी आ जाओ मुंबई। हाँ बस आ रहे हैं इंशाल्लाह जल्दी। गिफ्ट तो बता दो क्या लेना है। गिफ्ट बताओ। बताता हूँ मैं आपको। इतने सारे लखनऊ से आम खरीदे थे, थोड़े से बेचारों को भी दे देते। बस बस नहीं, वो इतना ही खाएंगे बस। चलो भाई, बारिश बहुत तेज हो रही है। ये भी शादी के बाद एक बहुत अहम काम है, बीवी को लाना, छोड़ने जाना, लेके आना, छोड़ने जाना। वाह भाई वाह, शुक्र मनाओ कि 5 मिनट की दूरी पे भी नहीं है। ससुराल तो मेन वाला बहुत दूर है वहाँ पे मुंबई में। आज मौसम जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। शामदी सबक के जहाँ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआ की वजह से अलहमदुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। आज जो डेट है वो 4 जुलाई है, दिन का टाइम हो रहा है। मैं जा रही हूँ बेटी खाला के घर। अभी सब लोग चले गए ना तो बहुत खाली खाली लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ करने को नहीं है। सनी अपने कुछ बाहर के कामों में बिजी है, हमने कहा चलो आज हम बेटी खाला के यहाँ ज्यादा टाइम तक रुक के आते, वरना 1 घंटे के लिए आ पाते थे। फ्रेंड्स, बेटी घर ने बहुत अच्छा खाना बना के रखा था। वहाँ पे अम्मा के अभी अंडे बने थे, मैं इधर आ गई। तो यहाँ पे बेटी घर ने बहुत अच्छा खाना बनाया था, खाली अम्मा से मैंने कम्मा रख देना, मैं चला रात में खा लूँगी। और वो यहाँ पे भी आया थोड़ा रेस्ट करने के लिए, लेकिन कोई नीचे मिलने आया है तो चलो उनसे मिल लेते हैं। तो ये प्यारी से फैमिली आए कहाँ से? महोबा से। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिल के। तो आज पूरा दिन मैं एक काम में बिजी था, वो बहुत जरूरी काम था। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो काम 80% हो गया है। तो जब आगे हो जाएगा फिर आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। तो उसके बाद मैं आ गया सबक यहाँ चाय पीने के लिए अपने दोस्तों को लेके। हमने चाय पी ली है, वो लोग चले गए, मैं भी जा रहा हूँ। चले आओ फिर शाम। तुम सो गए थी ना? बहुत अच्छा लगा। चलो कोई बात नहीं, तुम आ जाना फिर। हाँ मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। चलो अगर मैंने गिरा दिया तो नहीं गिरेगा अब, ये देखो। चलो हम बाहर तक छोड़ दे। चलो मैं हाई कर लो। फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं घर। घर आए तो फिर डिनर का टाइम हो गया था, तो फिर हम सब ने बैठ के साथ में डिनर किया अल्हम्दुलिल्लाह। लाइट चली गई थी, इतनी देर बाद आए ये, जैसे आप ही इलेक्ट्रीशियन हो। मैंने उनको फोन किया, उसके बाद वो आए उनके साथ में, फिर बाइक में गया बाजी घर तक। वहाँ पे पूरे ऐसे उन लोग खम्भे में लाइट मार के देख रहे हैं, फिर लास्ट में फॉल्ट मिला यहाँ से अपने घर के पास से। अल्हम्दुलिल्लाह लाइट आ गई। और गर्मी भी बहुत है। गर्मी बहुत है। जो लोग मोहब्बत से आए थे वो आपसे बहुत दिल से मिलना चाह रहे थे, बोल रहे थे सनी भाई बहुत अच्छे लगते हैं, शोएब भाई भी बहुत अच्छे लगते हैं, दोनों बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। तो आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे कहाँ हैं हम? अच्छे। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट डे हो चुका है और आज हमें एक दावत में भी जाना है। सनी के फ्रेंड के घर पे अंजुम भाभी ने बुलाया है, बबलू भाई ने बुलाया है, और ये हमें पार्सल भी आया है, तो सोचो यही पहन लो, फोटो भी क्लिक कर लेंगे। दीवास क्लब से आया है लखनवी का। अच्छा तो ये बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन इस पे ना इनर विनर सब बराबर से होना चाहिए मैचिंग का। तो फिर हम जब मुंबई जाएंगे इंशाल्लाह तब इसका पूरा मैचिंग ले लेंगे। अच्छी लग रही है ना, थोड़ी डिफरेंट है। थैंक यू दीवास क्लब। एक ये कुर्ती है नॉर्मल कॉटन की और ये कुछ दुपट्टे हैं। हो चुकी हूँ रेडी और अभी जल्दी से चलते हैं दावत में, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है। फोन भी आया है। निकल चुके हैं फ्रेंड्स और उनके घर पहुंच के आपसे मिलते हैं। उनके इतने बार कॉल आ चुके हैं और सनी ने वही वाला झूठ बोला, घर पे खड़ा था बोल रहा है बस आधे रास्ते में। झूठ बोलना गलत है, लेकिन मैंने बोल दिया कि मतलब गुस्सा ना। ये हम लोग पहुंच गए बबलू के घर। खाना पीना खाना पीना बहुत अच्छे से हो गया, सब कुछ बहुत अच्छा बना था। नहीं अभी नहीं, हमें भी ना दोबारा अपराध है। नहीं तो क्यों अब ईदी है ना, वो तो ईदी है तो एक बार आई चुकी है। तो वो पहली बार आई थी सब हमारे यहाँ, तो तब हमने दिया। ऐसे नहीं, अब नेक्स्ट टाइम से नहीं। तुमने बोला ये बोल दे। चलो।
आ गई है। हाय, क्या खा रही थी? जाओ जाओ। सब लोग आ चुके हैं घर, यहाँ पे रुखसारा भाजी बना रही है कुछ। ओहो, गुजिया। ये मावा है और ये मैदा। ज्यादा पड़ दिया वो बाहर निकल आया और अभी गुजिया जो है वो कंप्लीट हो गई। अब क्या बना रही है रुखसाना भाजी बताएंगे। इसमें नमक डालेंगे, जीरा डालेंगे, फिर उसमें परात में बेलेंगे, फिर उसको चाकू लेके काटेंगे, फिर खुरमी बनाएंगे। और ये जो है वो लास्ट की पूरी खुल चुकी है पीछे से भी, तो क्या करें। ये सारी गुजिया हो गई है और ये एक्स्ट्रा आटे का ये पूरी खराब हो गई। हमने कर लिया हैंड वॉश, अब जाएंगे फूफी के घर। थोड़ी देर चलते हैं ऊपर, रेस्ट करते। हाँ, कौन? हाँ जा रहे हैं, लेकिन ये लाइट का जैसे फैन ऑन किया ना उन्होंने तो वो हो गया। इन्वर्टर ही फ्रेंड्स जान निकल रही है, इन्वर्टर की लाइट ही तो प्रॉब्लम है। चलो भाई चलते हैं, गुड़ी पप्पी यहाँ हो लिया, चलते हैं घर। ध्यान चल लिया ना कल घर। कुड़िया फूफी क्या हो लिया फ्रेंड्स, फूफा की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, मतलब सनी के जो फूफा है ना देखने जाना था, आ गई। कुड़िया फूफी की यहाँ गई थी। अच्छा, तो सनी कहते अरे तुम हो रहे, मुझे पता है तुम्हें जाना। अच्छा, होगा बैठ गई अकेले तुम्हारे उधर। हाँ। इतने तुम्हारी कार दिख गई। सरप्राइज दे दिया अचानक। बेटी खाला क्या हूँ और चाय ना पियो तो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन बेटी खाला ने कहा चाय बाद में मिलेगी, पहले एप्पल खाओ। तुम क्या खा रही हो? दाल। तो ये चढ़ गई है चाय। मैंने कहा जब भी मैं आऊंगी चाय तो पी के ही जाती हूँ। सही बात है, चाय के बगैर तो कुछ है नहीं, कुछ नहीं। और ये बेटी खाना काट रही है, क्या बोलते हैं महर, क्या किन्नू? किन्नू बोलते हैं ना, नाम नहीं पता, फनी किन्नू। सनी भाई तुम्हारे लिए बर्गर और समोसे भेजे, खा लो। और ये बेटी खाने मेरे लिए बनाई है चाय। शादाब आ चुका है, अब हम जा रहे हैं घर। अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे। हाँ। कल कहीं चले। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स। आज बजने में 5 मिनट होने वाले, हम यहाँ पे आ गए थे, थोड़ी देर बाहर बैठे थे अम्मा पापा के साथ, रुखसाना बाजी के साथ, और ये अभी मुझे 5 मिनट पहले मिले और ये अभी फिर जा रहे हैं। तो साहब बताओ काम से जा रहा है सनी? हाँ, लेकिन मिलते तो नहीं है ना, मुझे भी काम से, मतलब यहाँ मजा में, मुंबई में बस, मुंबई में एक चीज अच्छी होती है काम में ना, ये होता है कि लड़के लड़कियाँ सब साथ में जाते हैं, बिल्कुल हर जगह मेरे साथ काम में जाती है, लेकिन अभी कुछ ऐसा काम है कि जहाँ पे औरतों का काम है ही नहीं, वहाँ पे काम कर लो, घर के काम सारे मैं करूँ, तुम बाहर के काम उठा लो। नहीं, रुखसाना भाजी बनाई है हम लोगों के लिए गुजिया। गुजिया जो है फ्रेंड्स वो रेडी हो चुकी है, मटरी भी बनाई। तो रुखसाना भाजी अम्मा गई, रुखसाना भाजी गई, चली गई। चलो उसको कल कुछ दे दे। हाँ, कर दे। ये दोस्त के गिर कपड़े दिलवा दो। सही है। और ये बारिश हमारे यहाँ होती है, हमारे यहाँ कपड़े सुखाने की जगह है नहीं, तो यहाँ पे बना लिया सुखाने के लिए। ये तो हर घर का हाल है, लेकिन बहुत दिक्कत होती है। शाम में ना कुछ लोग मिलने आए थे, 3-4 लड़कियां थी, बड़ी प्यारी सी, हमें गिफ्ट लेके आए थे। फ्रेंड्स हमेशा कहते हैं गिफ्ट नहीं लाओ, गिफ्ट नहीं लाओ, वही बात होती है, हर बार मैं बोलती हूँ, लेकिन क्या करो, ये मोहब्बत है। हाँ, और जब वो लेके आ जाते हैं तो फिर ऐसे फिर मना उनको वापस भेजना भी फिर दिल नहीं मानता है। ये चॉकलेट्स हैं, ये चॉकलेट्स उनको भी कड़े सवाब मिलता है, क्योंकि चॉकलेट भी फिर किसी बच्चे के पास चली जाती है, तो डायरेक्ट क्या बोलते हैं इनडायरेक्ट वे में। हाँ, उनको भी इसका सवाब मिल जाता है, क्योंकि किसी बच्चे के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। नाइस चॉइस। तो मैं आ चुकी हूँ फ्रेंड्स ऊपर, अभी पढ़ लेते हैं इशा की नमाज, उसके बाद आज मैं एक फोटो शूट करूंगी इतने दिनों बाद। फ्रेंड्स सनी से एक प्रैंक करते हैं, उसको बोलते हैं कि आप भी अपना एक YouTube चैनल बना लो। फ्रेंड्स मैं पहली बार सनी के साथ कोई प्रैंक करने जा रही हूँ और देखती हूँ होता है कि नहीं, लेकिन वो आए तो ऊपर आ ही नहीं रहा, वो नीचे अम्मा के पास बैठ के बात कर रहे हैं। मैं मैसेज करती हूँ आ जाओ, उसको बोलेंगे कि तुम्हारे पास कोई टाइम ही नहीं रहता है, मैं कहाँ तक अपना यूट्यूब ये सारी चीज़ें करूँ, और आप अपना यूट्यूब चैनल खोल लो, आप देखो अब मुझसे नहीं होता, मेरी मेमोरी फुल हो जाए। फोटो शूट करना है, वो लड़कियां पीछे पड़ी है, फोटो हमारे, फोटो नहीं डाल रहे, फोटो नहीं डाल रहे। एक बार क्यों क्यों ये है नक्सल से सब ठीक।
पहले हमारे काम पर बाद में दिखा पीछे फोन बचा चलो 5 मिनट लिया तो हमारा बिल्कुल भी काम सीरियस नहीं क्या हुआ रही तुम्हारी फोटो खींचूंगी मेरे बाद है तो मैं आज ही डालना है ना अभी अभी फोटो खींच अभी खिंचाऊंगा फोटो चलो पहले कपड़े तो निकाल लो मुझे हंसी आती है कि मुझे आ रही थी गुस्सा आप पे तो आपके दोस्त वो करते हैं कि तुम क्यों जा रहे हो क्यों जा रहे हो निकाल दो मुझे अब नहीं आ रही हंसी ठीक है वो हो गया नहीं आ रही प्लीज एक काम करो अब तुम भी अपने यूट्यूब चैनल बना दो प्लीज क्यों बना दो तो करेंगे ताकि ज्यादा इजी रहेगा सनी क्या है ये कब से रखा हुआ याद है आपने तब कहा जब बच्चे मामू आए थे हंस क्यों रहे हो सनी कितनी देर से हो गया तुम हम जब से बैठे हो कि आप आओगे और फोटो शूट हो जाएगा हम आपकी फोटो तुम अपना चैनल खोलो मुझे नहीं करना मैं अपना होटल खोलो चैनल क्या खोलूंगा नहीं जब मुझे फोन से चल गया तो आपको भी चल जाएगा I don't want to make channel. आज मैं उसमें अनाउंस कर रही हूँ नहीं तो अपना चलाओ सनी कोई बुराई की बात नहीं होती है सनी कोई बुराई सनी प्लीज सनी सारे कपल्स के तो चैनल होते हैं यार चल मुझे काम करना कब चैनल बनाना है अपना सीरियसली मजाक से हटके मजाक से हटके मैं चल चैनल तुम बनाओ बनाएगा तुम वादा करो आज ही अनाउंस करता है तो एकदम से तुम्हारा मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा मैं सनी क्या मैं क्या बनाऊंगा मैं जो हम डेली रूटीन सब दिखाते हैं आप अपना दिखाना मैं अपना दिखाऊंगी क्या नहीं बेबी नहीं ये नहीं करो बेबी मैं तुम्हारी एडिटिंग करूंगी पक्का मन लगा से करूंगा आज आज नहीं तुम एडिटिंग भी नहीं सीख रहे हो आज सीखूंगा पक्का सनी तुमसे कब से हो गया तुम एडिटिंग नहीं सीख रहे हो क्या नहीं है यार अम्मा से मैं बात करूंगा अम्मा से हम अम्मा को क्या पता ना आज का नहीं तो प्रॉमिस करो हां जरा पक्का बता प्लीज पक्का बता अलग से बोल नहीं नहीं चैनल भी ब्लॉग तो ले लो आज का दिन भर तुम्हें खबर भी होती है कि ब्लॉग बन रहा है कि नहीं हम ही बनाए नहीं 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 फोन अब पता नहीं कहाँ है किसी ने बोलो कि सब चैनल आप फ्रेंड्स क्या कहते हो बोलो फ्रेंड से क्या बोलूं सब बोल रहे हैं चैनल बना लो मैंने कहा मैं चैनल नहीं बनाऊंगा क्यों नहीं मुझे नहीं मैं मुझसे नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स अच्छा आप ये बताइए सबके होते हैं मतलब कपल्स के चैनल हस्बैंड का भी होता है वाइफ का भी होता है कभी होता है कि सनी बाहर होता है कुछ नहीं बना पाता तो होना चाहिए ना मैं कब तक करूं नहीं ये तो बात सही है मैं अपना काम कर रहा हूं इंशाल्लाह मैं अपना काम स्टार्ट करने वाला हूं मुझसे ये नहीं हो पाएगा यूट्यूब वाला नहीं हो पाएगा आप भी ध्यान करते सब कह रहे हैं कि सनी बहुत अच्छे से बनाने भी लगा है मैं नहीं बना पाऊंगा शर्मिंदा हूं आप लोग सॉरी गाइस मैं नहीं बना पाऊंगा बेबी मैं चलो अभी रात में बात करेंगे तो उसको अलग समझ पक्का जाइए ठीक है जानती हूँ बात नहीं करता हूँ मैं समझ रहा हूँ कि क्या चाल चल रही है क्या चाल क्या चाल इससे मेरा सुकून नहीं दिखा जा रहा है कैसे ये बिजी दिन भर आ चल तुम भी बनाओ कुछ दिन ताकि फिर रेस्ट कर ले हाँ। देखो ये भी मुझे ध्यान रहता है कि नीचे जा रहे हैं क्या शूट करना है क्या शूट नहीं करना तो मैं कभी लगता है खुद से मैं करूंगा वैसा है क्या करोगे बिजनेस ठीक है फोन तो ले लो उठा लो वहां से उठा लो उठाओ फोन तू से ही हार रही हो नहीं ये सब आया भी नहीं होगा सही से अरे यार तुम्हें ये करके क्या मिला और है कि नहीं और तुम्हें करके क्या मिला ये बता पहले मुझे नहीं हुआ कुछ हल भी नहीं निकला फ्रेंड्स इसका चैनल खुला रहे हैं हम मैं नहीं खोलूंगा क्यों नहीं मुझे मेरे बस का नहीं भाई खोलेगा अब नहीं मैं अपना काम करूंगा बस मुझे जो बिजनेस करना है मैं चैनल वाला कुछ नहीं खोलूंगा मैं सीधी बात नो बकवास कसम खुदा की खा रहा हूँ मतलब पसीने मुझे आ रहे हैं ऐसी चल रही है लेकिन तब भी मुझे पसीने आ रहे हैं इसके नाम से ये हर किसी की बस की बात नहीं भाई मेरे बस का बिल्कुल भी नहीं है अल्लाह पता नहीं मेरा प्रैंक हुआ ही नहीं सक्सेसफुल नहीं प्रैंक वाली बात नहीं ईमानदारी की बात ये है कि जो तुम झेलती हो जो तुम करती हो ना इसके लिए बहुत बड़ा कलेजा जो भी यूट्यूबर से कसम खुदा की उनके उनके मतलब हेड्स ऑफ उनके लिए इतनी मेहनत इतना सब कुछ होता है मेरे बस की बिल्कुल भी नहीं है सब चीजें सॉरी बस का क्या है तो सॉरी गाइस मैं सब की हेल्प करूंगा हमेशा की तरह एज यूजुअल और अपना काम करूंगा जो मैं कर सकता हूं बाकी मैं यूट्यूब के लिए नहीं बना
तुम्हारे से कोई आइडिया कहाँ से आई बताओ भाई? ऐसे ही उनका प्रैंक करते हैं सनी पे। तभी मैं जैसे ही मैंने एंटर किया तो हंस रही है। मैंने कहा क्या करूँ यार। फ्रेंड्स कैसे लगा आपको हमारा प्रैंक? मैंने पहली बार सनी पे प्रैंक ट्राई किया था, लेकिन मैंने बीच बीच में बहुत हंसा, नहीं हंसी तो और यकीन मानो मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि मेरे साथ में प्रैंक हो रहा है। वो प्रैंक अच्छा था, मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पाया कि इसने कहाँ कैमरा रखा, क्या मतलब। मैं डर गया था कि भैया अब वो जो टीवी शेल्फ है ना उसके अंदर फोन चिपक के उल्टा रख दिया था, उसको दिख ही नहीं रहा था अंधेरे में वहाँ पे। और ये चीज मेरी क्लियर थी कि मुझे कभी भी YouTube चैनल नहीं बनाना है, और मतलब कभी भी मेरे दिमाग में था ही नहीं कि मुझे बनाना है, और इंशाल्लाह आगे भी नहीं बनाऊंगा मैं, ये भी पक्का है मेरा। इंशाल्लाह अपना काम करूंगा, हेल्प कर देते। हाँ, मतलब मैं सभा की वीडियो में हर चीज में हेल्प करूंगा, उसका वीडियो बनाऊंगा, अगर मैं एडिटिंग सीख गया तो वो भी कर दूंगा। लेकिन खोल लेना। नहीं, लेकिन मतलब मैं YouTube चैनल कभी भी नहीं बनाऊंगा, आप सबसे बात है, बस मैं अपना काम करूंगा जो मेरा मतलब अभी हमने प्लान किया बिजनेस करने का, तो इंशाल्लाह उसमें अपना पूरा फोकस करूंगा, उसमें मेहनत करूंगा, जो मेरा काम है तो ये तुम्हारा काम है, मैं अपना काम करूंगा। थैंक यू सो मच। हाँ, एक अच्छा हस्बैंड होने के नाते मैं अपनी बीबी का सपोर्ट करूंगा हर चीज में। थैंक यू। हाँ फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा है, मेरा प्रैंक अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तुम्हारा प्रैंक के चक्कर में मुझे बहुत डर लग गया तो और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंशाल्लाह फिर अगर आपको प्रैंक और चाहिए तो प्रैंक इंशाल्लाह मैं साथ में करूंगा, बहुत तगड़ा करूंगा। नहीं नहीं, मुझे पता चल जाएगा।